अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आप मुझे YouTube से देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो मेरे Facebook पेज को आप फॉलो कर लें। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जो उल्टा बच्चा होता है माँ के पेट में, जो ब्रीच बच्चा होता है, उसको हम किस तरीके से सीधा कर सकते हैं। ऐसा कौन सा मेथड है कि वो बच्चा सीधा हो जाए, तो इसको डिटेल के साथ समझते हैं आज। देखें, जब किसी भी औरत को प्रेगनेंसी होती है और उसके बाद उसके यूट्रस के अंदर एक फीटस ग्रो कर रहा होता है, पल रहा होता है, तो टाइम टू टाइम वो वहां पर मूव भी करता है, हरकत भी करता है, और वो जो एक अल्लाह ताला ने एक स्पेस डिफाइन किया हुआ है, उसी स्पेस में रहते हुए जितनी सारी एक्टिविटीज भी वो कर सकता है वो करता है। अब बहुत दफा क्या होता है कि जो फीटस है वो उल्टा होने की वजह से खुद नहीं डिलीवर हो सकता। वैसे एक नेचुरल प्रोसेस है, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हर एक बच्चा खुद बाहर आता है, उसकी अपनी एफर्ट्स होती हैं। जैसे ही उसका टाइम पूरा होता है तो अल्लाह ताला उसको उस माँ की पेट वाले दुनिया से निकाल कर इस दुनिया में भेज देते हैं। लेकिन अगर बच्चे की कंडीशन ऐसी हो कि वो सीधा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बच्चा जिसका हेड नीचे की तरफ होता है वो अपने हेड से पहले बाहर निकलता है, यानी बच्चे का हेड माँ से पहले बाहर निकलता है, फिर पूरा बच्चा बाद में निकलता है, और उसको कोई भी डॉक्टर या कोई भी मिडवाइफ या कोई भी दाई वगैरह उसको असिस्ट करके बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर बच्चे की प्रेजेंटेशन यानी बच्चे की हालत उल्टी हो, तो उल्टी हालत में बच्चे का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, और उस कंडीशन में फिर सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिनसे आपका जो बच्चा है वो सीधा हो जाए? तो इस बात को आप पहले तो समझ लें कि जितने सारे भी बच्चे होते हैं माँ के पेट के अंदर वो घूमते रहते हैं। हम अगर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट की बात करें तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में तकरीबन अगर 30 से 35 हफ्तों के दौरान हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, यानी 8 महीने हो गए और उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जो फीटस है उस वक्त भी वो उल्टी कंडीशन में है, यानी कि ब्रीच कंडीशन में है या कोई दूसरी कंडीशन है जो सिफेलिक नहीं है, तो फिर हमें उसको मॉनिटर करना पड़ता है, और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी पोजीशन चेंज बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उस दौरान हो सकता है हर दूसरे दिन या हर 5वें दिन भी आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़े। लेकिन 30 हफ्तों से पहले की अगर बात करें तो 30 हफ्तों से पहले बच्चे की पोजीशन तब्दील होती रहती है। अगर किसी फीमेल को रिपोर्ट में 30 हफ्तों से पहले ये लिखा हुआ मिले कि उसका बच्चा सिफेलिक नहीं है, ब्रीच है या कोई दूसरी पोजीशन में मौजूद है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा 30 हफ्तों के बाद 30-35 हफ्तों के दौरान खुद ही सीधी पोजीशन में आ जाता है, खुद ही सीधा हो जाता है। यानी कि जब दर्द शुरू होते हैं डिलीवरी के लिए तो उस वक्त बच्चा भी कोशिश करता है कि वो सीधा हो, अगर वो उल्टा हो तो। इसलिए ये जो कंडीशन होती है जिसमें बच्चा उल्टा होता है तो खुद बच्चे की एफर्ट्स भी होती हैं, और अल्लाह ताला का एक नेचुरल सिस्टम है, एक ये कुदरती निजाम है कि बच्चा सीधा होने की कोशिश करता है। हमारे पास कोई ऐसी टिप मौजूद नहीं है, ना ही कोई ऐसी दवाई है जो बच्चे को उसकी उल्टी पोजिशन से सीधी पोजिशन में ले आए। अलबत्ता यहाँ पर दुआओं का असर बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर कोई औरत जो है वो तिलावत करे और सूरह रहमान को ख़ास तौर पे बार बार वो पढ़े, या वो नमाज का अहतमाम करे, नवाफिल का अहतमाम करे, या इबादत करे और अल्लाह से दुआ करे, तो फिर मुमकिन है कि वो आखिरी वक्त में भी बच्चा ब्रीच पोजिशन से पहले पोजिशन हो जाए। और बहुत दफ़ा हमने देखा है कि बच्चे ब्रीच पोजीशन में होते हैं, डॉक्टर ने टेबल रेडी की हुई होती है, ओटी पूरा रेडी होता है, पूरा स्टाफ रेडी होता है सर्जरी के लिए, लेकिन बच्चा खुद ब खुद डिलीवर हो जाता है सिफेलिक पोजीशन होकर। तो इसलिए अगर किसी का बेबी जो है वो सिफेलिक पोजीशन में ना हो तो इसमें वीक्स लाजमी आप देखा करें कि क्या वीक्स हैं। 30 हफ्तों से पहले बिल्कुल इग्नोर कर दिया करें, कोई ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की टेंशन लेने की, सिर्फ आप दुआएं करें और अल्लाह से मांगें। 30 से 35 हफ्तों के दौरान अगर फिर भी ब्रीच आता है तो फिर उसको मॉनिटर करते रहें, और अगर आखिरी वक्त तक वो ब्रीच होता है तो फिर आप मजबूरन फिर आप सीजरन की तरफ जाएं, क्योंकि उल्टा बच्चा जो होता है उसका निकलना काफ़ी मुश्किल होता है।